पशुओं की तस्करी का कारोबार पुलिस और तस्कर के बीच लुका छिपी का खेल जारी है। इसी तस्कर और पुलिस की लुका छिपी खेल में पुलिस प्रशासन भारी पड़ी व तीन तस्कर के साथ गाड़ी चालक के साथ लगभग 72 पशु को जब्त किया गया। बरामद पशु को सिवान शहर के गौशाला में सुबह कुचायकोट में बरामद किया गया, पशुओं को रखा गया। जानकारी के मुताबिक कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट पर बिहार से यूपी जाने वाली लेन पर वाहन जांच के क्रम में एक ट्रक से 72 पशु बरामद किया गया। वहीं बरामद पशुओं के साथ पुलिस ने ट्रक के चालक समेत तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार पशु तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि बरामद किए गए पशुओं को सिवान पशु आश्रय भेज दिया गया है। मामले में प्रशिक्षु डीएसपी सह कुचायकोट थानाध्यक्ष साक्षी राय ने बताया कि पुलिस की एक टीम बलथरी चेकपोस्ट पर यूपी जाने वाली लेन पर वाहनों की जांच पड़ताल कर रही थी। इसी क्रम में गोपालगंज से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे एक ट्रक को संदेह के आधार पर रोककर जब सघन जांच पड़ताल की गई तो ट्रक से 72 पशु बरामद किए गए। बरामद किए गए पशुओं में 26 भैंस तथा 46 पाड़ा पड़ी शामिल हैं। बरामद पशु गोपालगंज के कोयनी से लाए जा रहे थे और इसे उत्तर प्रदेश भेजा जाना था। इस कार्यवाही में पुलिस ने ट्रक चालक समेत तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए पशु तस्करों में मुजफ्फरनगर जिले के सिविल लाइन थाना अंतर्गत मुल्लूपुरा गांव निवासी इमरान, खालापाड़ गांव निवासी तनवीर और मेरठ जिले के सरदाना थाना अंतर्गत मोड़ीहाई गांव निवासी मोहम्मद रईस शामिल है। कहां से लेकर आप आए? हम गोपालगंज से लेकर आए हैं। वहां का डीएसपी है साक्षी राय जी। हाँ, हमको भेजे हैं, गोरू लेके आए हैं यहाँ गौशाला में। सिवान गोपाल कृष्ण गौशाला है सिवान। हाँ, सिवान लेके आए। गोपालगंज में कहाँ से पकड़ा है? गोपालगंज हम कुचायकोट थाना के अंतर्गत। कुचायकोट सब क्या है? सब ये सब ले जा रहा था कसाई। कसाई चालक पकड़ा गया है? चालक तीन लोग पकड़ाया है। तीन गो आपका नाम बता दें। हमारा नाम राजेश्वर प्रसाद यादव है।